सो वेलकम एवरीवन फॉर द कंट्रोल सिस्टम। और ये हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कंट्रोल सिस्टम का जो बेसिक है, जैसे कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है। एज वी हैव सीन इन द इंट्रोडक्शन दैट मैंने कहा था कि ओपन लूप सिस्टम में और क्लोज लूप में एक फ़र्क होता है, वो है फीडबैक सिस्टम का। व्हाट इज़ अ फीडबैक? आई हैड गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ माइक्रोवेव एंड ओवन, माइक्रोवेव ओवन एंड एक टोस्टर, ये एग्जाम्पल दिया था। तो हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है और किस हिसाब से हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एक सिस्टम, जैसे कंट्रोल सिस्टम है, तो हमारा एक कंट्रोलर सिस्टम है। ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से देखते हैं, कंट्रोलर है। ओके, ये कंट्रोल करेगा, देर इज अ प्लांट एंड देन यहाँ पे है आउटपुट एंड यहाँ पे है इनपुट। इनपुट अपने हिसाब से आएगा, जो भी कंट्रोल और जो भी प्लांट है, जो तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम है, वो अपने हिसाब से होगा एंड वहाँ पे एक आउटपुट आ जाएगा। इसमें सिर्फ एक ओपन लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है? क्लोज लूप सिस्टम में यहाँ पे तुम्हारा कंट्रोल सिस्टम होगा, यहाँ पे अपना सिस्टम होगा जो भी है, ठीक। तो दिस इज योर सिस्टम। सिस्टम के इसमें यहाँ पे हमें आएगा आउटपुट, यहाँ पे आएगा इनपुट, लेकिन आउटपुट कितना आता है, दैट यू विल टेक एज अ फीडबैक। आउटपुट का थोड़ा सा पार्ट हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे एंड हम वहाँ से लेंगे फीडबैक। आई टेल यू, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लोज लूप सिस्टम का। इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस है, बिकॉज फीडबैक पे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। फीडबैक क्यों लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल फीडबैक इसलिए लेते हैं बिकॉज हमारा आउटपुट स्टेबल रहे। अभी जैसे हमने बात कर दी कि मैंने टोस्टर के बारे में बात की थी, राइट? टोस्टर क्या करता है, सिर्फ वो एक ब्रेड को हीट करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट करके फिर वो ब्रेड को, अगर उसका टेम्परेचर चेक नहीं करता, ब्रेड का टेम्परेचर चेक नहीं करता। अगर मैंने बोला कि टोस्टर 80 डिग्री पे हीट होना चाहिए, तो टोस्टर 80 डिग्री पे ब्रेड को हीट कर देगा, भले ब्रेड जो है वो वार्म रहे या ब्रेड जो है वो ऑलरेडी लाइक टोस्ट हुआ हो। अगर ज़्यादा टोस्ट हो गया तो वो जल जाएगा। सो जो टोस्टर है वो यहाँ पे ओपन लूप में आता है, वो कैटेगरी जो आती है वो टोस्टर का जो कैटेगरी है वो ओपन लूप में आता है। जैसे हमने क्लोज लूप सिस्टम में माइक्रोवेव ओवन के बारे में बात की थी, जो टेम्परेचर लेके सर्कुलेट करता है, उसी हिसाब से एक एसी के बारे में भी है, अपना एयर कंडीशन एसी। जैसे आपने, हम भी एसी रखा 24 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। अब जब हमारा पहले तो रूम गर्म था तो कूल डाउन हुआ टेम्परेचर और 24 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। जब उसका 24 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर हो जाता है, तब एसी क्या करता है, एसी कंप्रेसर को बंद कर देगा और थोड़े टाइम तक वो बंद रखेगा। अगर टेम्परेचर वापस हो जाता है 26 डिग्री सेल्सियस, तब एसी का कंप्रेसर वापस ऑन होगा एंड कंप्रेसर ऑन होने के बाद वो वापस उसको कूल करेगा फॉर 24 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एसी कंप्लीटली इस फीडबैक को ले रहा है अंदर, वो कंप्लीट, वो हमेशा यानी कि कंटिन्यूसली वो चेक कर रहा है फीडबैक, वो कंटिन्यूसली टेम्परेचर चेक करते जा रहा है। जो आउटपुट दे रहा है वो कूल तो करेगा 24 डिग्री का, लेकिन वो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देगा। क्यों? बिकॉज हमने उसको उस टेम्परेचर पे रखा है। अगर उससे ज़्यादा यानी कि कूलिंग नहीं, हॉट, अगर वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वो वापस कंप्रेसर ऑन करके वो अपना एसी चालू हो जाएगा। दैट इज़ अ क्लोज लूप सिस्टम एंड ओपन लूप सिस्टम। अब इसी को देख के हमें स्टेबिलिटी डिसाइड करनी है कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन लूप का अगर ब्लॉक डायग्राम देखे, तो ओपन लूप के ब्लॉक डायग्राम में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट कि दिस इज लेस कॉम्प्लेक्स एंड लिटिल दिस इज कॉम्प्लेक्स। ये वाले में यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ओके, सेकेंड थिंग यहाँ पे होगी वो ये है कि इसमें स्टेबल आउटपुट नहीं रहेगा। जैसे हमने टोस्टर देखा, जल गया है ना, तो इसमें स्टेबल आउटपुट नहीं रहेगा। सो नो स्टेबिलिटी इज लेस। ये वाला बहुत ही स्टेबल आउटपुट देगा, इसमें हमारी कोई चीज़ बिगड़ेगी नहीं, या फिर कोई चीज़, या हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम गर्म नहीं होगा। इसमें हमारा जो स्टेबिलिटी है वो रहेगा। सो स्टेबिलिटी हाईली स्टेबल, आई राइट एज हाईली स्टेबल। सो ये बेसिक कंसेप्ट है फॉर योर कंट्रोल सिस्टम।
ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि कंट्रोल सिस्टम के लिए ओपन लूप क्लोज लूप में क्या डिफरेंस है, फीडबैक अगर हो रहा है तो किस हिसाब से, अगर किसी हमें बोल दिया कि जैसे रडार है एग्जाम्पल ऑफ मिसाइल, जब हम मिसाइल अगर एक एनिमी की आई कैन से एक एनिमी का ये आ रही है, बोट आ रही है, ओके एंड हमें उस पर मिसाइल फेंकनी है, हमारी यहाँ पे एक बोट है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उस हिसाब से, सपोज यहाँ पे हमारी बोट है और ये यहाँ पे एनिमी की बोट आ रही है एंड वो ये पाथ गोल गोल इसके अराउंड वो सर्कुलर मोशन करने वाला है, या फिर ये यहाँ से कर्व मार रहा है, ऐसे कुछ कर लेते हैं, और ये दिस इज आवर्स बोट एंड दिस इज एनिमी बोट, ओके। तो वो यहाँ से जब आएगा तब मिसाइल अगर हमें लॉन्च करनी है तो ऑब्वियसली एनिमी की बोट चल रही है, यहाँ पे डिस्टेंस है ऑलरेडी, तो मिसाइल क्या करेगा, वो जैसे ही यहाँ से हम लॉन्च वो डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, पहले तो वो हमारा आउटपुट हमने पहले ही चेक कर लिया कि हमारा आउटपुट कितना है, फिर वो जो भी आउटपुट होगा वो फीडबैक के थ्रू यहाँ पे भेजेगा, राइट। फीडबैक के थ्रू भेजने के बाद उसको उस इस चीज़ की यानी कि एनिमी बोट की जो भी वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करने के बाद वो फिर मिसाइल फेंकेंगे उस हिसाब से, सच दैट कि जब बोट यहाँ पे आए तो उसको मिसाइल लग जाए, अदरवाइज मिसाइल मिस हो सकती है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे फीडबैक ले रहे हैं, मतलब हम लोग कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर आउटपुट को ऑब्जर्व करते जाते हैं एंड देन वहाँ से हम फीडबैक उठाते रहते हैं, ये सबसे मेन पॉइंट है। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोल जीरो प्लॉट इन द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक, तो इन द ट्रांसफर फंक्शन ये पोल जीरो प्लॉट कैसे दिखेगा, व्हाट इज पोल जीरो प्लॉट और ट्रांसफर फंक्शन क्या है। ट्रांसफर फंक्शन क्या है ये हम लोग ने प्रीवियस एक लेक्चर में समझाया था, ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट इट्स आउटपुट अपॉन इनपुट ऑफ अ सिस्टम इन अ लैपलास फॉर्म। ओके, लैपलास के फॉर्म में वो ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए। अब जैसे कि हमें यहाँ पे एक ट्रांसफर फंक्शन दिया है, लेट अस कंसिडर 3s-1 अपॉन स्क्वायर प्लस 3s+2, ये लेती हूँ मैं ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन। अब जैसे कि ये यहाँ पे s के टर्म्स में, जैसे मैंने कहा था ट्रांसफर फंक्शन लैपलास के फॉर्म में होगा, लैपलास के लिए हम लोग यूज करते हैं s जो हमारा डोमेन होता है, फ्रिक्वेंसी डोमेन बेसिकली यूज होता है। तो हमने यहाँ पे 3s-1 स्क्वायर प्लस 3s+2 लिया है। नाउ व्हाट इज पोल एंड जीरो, यहाँ पे हमें एक दिखता है कि न्यूमरेटर का टर्म है एंड डिनोमिनेटर का टर्म है। ओके, सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, योर जब ऊपर का टर्म, और आई कैन से इन अ सिंपल वे में बताऊं कि जब ट्रांसफर फंक्शन हमारा इन्फिनिटी होगा, वो वैल्यूज जो हमें इन्फिनिटी देगी उसे हम कहेंगे पोल्स। अब मुझे बताओ कि ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनिटी कब देगा, इन्फिनिटी के लिए क्या होना चाहिए, नीचे का टर्म जीरो होना चाहिए, राइट। नीचे का टर्म यानी कि डिनोमिनेटर, सो व्हेन माय डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू जीरो, दैट पर्टिकुलर वैल्यूज इज गिविंग मी पोल्स। ओके, ये सब स्टेबिलिटी में काम आता है, मतलब ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिकली टू सी वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और नॉट। तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस है, बट ये लेक्चर में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि पोल्स एंड जीरोस कैसे निकालते हैं ट्रांसफर फंक्शन से। तो सिंपल है, पोल्स कैसे निकालो कि नीचे का टर्म जब डिनोमिनेटर हम इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, वो पर्टिकुलर जो भी रहेगी एस की वैल्यू वो हमें पोल्स है। तो चलिए करते हैं, सो दैट इज योर फर्स्ट थिंग इज 3s² + 3s+2, इसे हम इक्वेट करेंगे जीरो के साथ टू फाइंड आउट पोल्स। ये हम क्या कर रहे हैं, टू फाइंड पोल्स। ठीक, तो यहां से हमने स्टार्ट किया तो हमारा यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 2s + s+2 फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने इसका। फैक्टराइजेशन के बाद s कॉमन, s+2 + 1 कॉमन, अंदर हो गया s+2 = 0, s+2 = 0, s+1 = 0, s = -2, s = -1। तो मेरे पोल्स क्या है, पोल्स की वैल्यू s = -2 आया एंड मुझे पोल्स मिले -2 एंड -1। ओके, सो इस हिसाब से हमारा पोल स्टार्ट हुआ। अब उसी हिसाब से मुझे चाहिए जीरोस। ओके, नाउ जीरोस क्या होता है, जीरो के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर जीरोस, जीरो कब बोलेंगे, व्हेन योर ट्रांसफर फंक्शन
इज इक्वल टू जीरो. ये पोल्स एंड जीरोज एक टर्म यूज किया गया है. सो व्हेन द ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो, व्हेन द ट्रांसफर फंक्शन बिकम जीरो, व्हेन योर न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू जीरो. तो ये जो हमारा जो सम था, जो हमने ये सम कंसिडर किया था, 3s square, 3s minus 1 upon s square plus 3s plus 2. सो इसमें जब न्यूमरेटर इक्वल्स टू जीरो करेंगे, यानी कि 3s minus 1 is equals to 0, तो s की वैल्यू आएगी 1/3. सो मेरी 0 मतलब सिस्टम की 0 कहाँ पे लाई करती है, व्हेन s इक्वल्स टू 1/3. सो व्हेन माय s इज इक्वल्स टू 1/3, आई कैन से दैट आई हैव द 0 पॉइंट, एंड व्हेन माय s इक्वल्स टू -2 एंड -1, वहाँ पे लाई करेगा पोल्स. ओके, सो इसको अगर हमें ग्राफिकल वे में लिखना है, so how we will write down in a graphical way. graphical में हमें जैसे कि यहाँ पे मैं एक simple के तरीके से बता दूँ, जैसे हम यहाँ पे draw करते xy axis, लेकिन हम यहाँ पे s domain में कर रहे हैं, तो s domain में होता है real and imaginary axis. तो real axis के लिए हम use करेंगे s, and imaginary के लिए होता है g omega. real axis के लिए हम use करेंगे sigma, और इमेजिनरी के लिए यूज करेंगे जी ओमेगा, क्योंकि एस बनता है सिग्मा प्लस जी ओमेगा से, वेयर सिग्मा इज अ रियल टर्म, ओमेगा इज माय इमेजिनरी टर्म. ओके, पोल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्राफ में? पोल्स के लिए हम यूज करते हैं ये वाला साइन, एंड जीरोस के लिए हम यूज करते हैं ये वाली साइन. ओके, तो अगर मेरा पहला पोल इज एट -2, -1, तो इसको प्लेस करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे -2, -1 पे. तो -2 यानी कि x एक्सिस में आया, यहाँ पे रहता है मेरा, ये रहा -1, ये रहा -2. प्रॉपर मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, बट जस्ट हम इसको, ये रहा मेरा पोल, एज इट इज अ पोल हम क्रॉस से करेंगे, एंड जीरोस हमारा जीरो कहाँ पे लाई करता है, 1/3 पे. तो सपोज 1/3 यहाँ पे कहीं पे आया, तो हम इसको इस हिसाब से बना देंगे. तो ये हो गया हमारा पोल जीरो प्लॉट. ये एक बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया जाएगा और आपको पूछेंगे कि पोल जीरो कहाँ पे है, इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन का पोल जीरो प्लॉट बताइए, तो यू हैव टू ड्रॉ दी पोल जीरो प्लॉट, दैट सिंपल. इसी हिसाब से हमें न्यूमरेटर को इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, और इक्वेट करने के बाद जो हमारी वैल्यूज आएगी उसे हम ग्राफिकल वे से रिप्रेजेंट कर देंगे. कभी कभी यहाँ पे जैसे -2 and -1 आया है, वैसे यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यूज भी आ सकती है. तो अगर वैसी वैल्यूज आती है, अगर इमेजिनरी वैल्यूज आती है, तो हमें उस हिसाब से उसको ग्राफ वे में. सो दिस इज एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन. अभी हम लोग ने पहले पढ़ा कि व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, उसके एग्जाम्पल्स एक एक देख लेते हैं. छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा था ट्रांसफर फंक्शन इज अ लैपलास फॉर्म. तो ट्रांसफर फंक्शन लैपलास फॉर्म में कैसे दिखेगा, राइट? तो जी यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दिया है, फॉर अ सिस्टम विथ इनपुट एक्स आउटपुट वाई गिवन बाय दिस थिंग dy by dt plus 2yt dx by dt. तो इसको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे dy by dt plus 2 into y into t is equals to derivative of xt अपॉन dt प्लस x of t, ऐसे दिया होगा, ठीक. अब यहाँ पे पहले हम लोग को लाप्लास लेना है, सो वी विल डू व्हाट, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म. अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी है, डेरिवेटिव अगर आया तो s मल्टीप्लाई होता है, राइट? सो हम लोग dy by dt का हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा y of s, लेकिन वो डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए s मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 कांस्टेंट है तो वो वैसे के वैसे रहेगा. y ऑफ t का लाप्लास इज y ऑफ s इज इक्वल्स टू dxt. xt यहाँ पे हमारा इनपुट है, तो इनपुट का लाप्लास क्या होगा, कैपिटल x इंटू s, राइट? और एज इट इज अ डेरिवेटिव यहाँ पे s मल्टीप्लाई होगा, बहुत सिंपल है. अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो s मल्टीप्लाई होगा, अगर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो हम s स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, उस टाइप का सम भी देखेंगे. प्लस xt का डेरिवेटिव हो गया x ऑफ s. बट हमें यहाँ पे क्या पूछा था, हमें पूछा था ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बताइए. यू हैव टू फाइंड व्हाट, यू हैव टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन.
So for the transfer function, what it is? Output upon input in a Laplace form. So पहले हम यहाँ पे y of s को common ले लेते हैं. Next step, y of s को अगर common लेंगे तो यहाँ पे होगा s plus 2. And यहाँ से हम x of s को common ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा s plus 1. ठीक? अब ये होने के बाद what you will do is I have to find out the transfer function. So transfer function का formula is y of s upon x of s. तो हम इसको बस इसके साथ divide कर देंगे. तो y of s, x of s यहाँ पे आ जाएगा और ये term इधर आ गया. So that gives you final answer is s plus 1 upon s plus 2. तो ये हमारा transfer function मिल गया from a differential equation. इसमें हमारा Laplace भी revision हो गया. Okay, so now we will go for the next question. जैसे कि अभी ये वाला क्वेश्चन जो है सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे गिवन द सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज टू एस प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन यू हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये एग्जैक्टली अपोजिट है टू द प्रीवियस सम. यहाँ पे ऑलरेडी लैपलास फंक्शन यहाँ पे इसी एस के टर्म में दिया है यानी कि उन्होंने ट्रांसफर फंक्शन दिया है हमें उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में लाना है. ठीक है तो ये भी करते हैं. कैसे करेंगे? उन्होंने ट्रांसफर फंक्शन दिया है तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे लिखेंगे? 2s plus 1 upon s square plus s plus 1. पर ट्रांसफर फंक्शन हम लोग ने हमें पता है इट्स आउटपुट अपॉन इनपुट इन लाप्लास फॉर्म. सो y ऑफ s अपॉन x ऑफ s इज इक्वल्स टू 2s plus 1 अपॉन s square plus s plus 1. अब हमें ये मिल गया. अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में y और x अलग अलग चाहिए. एक तरफ राइट साइड पे हम y रखेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड पे हम y रखेंगे, राइट साइड पे हम x रखेंगे. तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन इज इक्वल्स टू टू एस प्लस वन और यहाँ पे आ गया एक्स ऑफ एस. ओके अब ये होने के बाद व्हाट यू विल डू इज वाई ऑफ एस को अंदर मल्टीप्लाई एक एक टर्म के साथ सॉर्टेड कर देते हैं. तो वाई ऑफ एस वी आर जस्ट सॉर्टिंग आउट द टर्म्स. वाई ऑफ एस प्लस वाई ऑफ एस इज इक्वल्स टू टू एस इंटू एक्स ऑफ एस प्लस एक्स ऑफ एस. ओके अब ये होने के बाद अब हमें क्या करेंगे? इनवर्स लेंगे. ओके सो हम लाप्लास का इनवर्स लेके करते. सो टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का तो व्हाट हैपेंस हियर? एस स्क्वायर है जैसे मैंने कहा था. अगर वो एस होता है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो सेकेंड ऑर्डर डी बाई डी टी किसका सेकेंड ऑर्डर? आउटपुट का. सो दैट इज y ऑफ t प्लस फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे s मल्टीप्लाइड है. सो यू विल राइट d बाई डी टी y ऑफ s का y ऑफ t प्लस y ऑफ s का यहाँ पे y ऑफ t बिकॉज वो कुछ नहीं है तो आउटपुट का लैपलास डायरेक्टली आउटपुट होगा एक टाइम डोमेन दैट इज y ऑफ t. टू कॉन्स्टेंट है बाहर रखिए. s इंटू x ऑफ s है तो s यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंटू x ऑफ t प्लस x of s is x of t. This is your differential equation. This is your final answer. अगर हमें derivative, if you get this basic concept कि किसका derivative first और कब second लेना है तो कोई भी type का transfer function दिया कितना भी complex होगा हमें बस इसे sort करना है और फिर उस हिसाब से differential equation निकालना. Simple. Next sum देखते हैं वो है यहाँ पे सम जो उन्होंने यहाँ पे ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क. अब हमें नेटवर्क दिया हुआ है. पहली चीज कि हम नेटवर्क को सॉल्व डायरेक्टली नहीं कर सकते बिकॉज हमें उसको लैपलास फॉर्म में लाना है. ओके सो अगर यहाँ पे एक कंसेप्ट है जैसे नेटवर्क को हम लैपलास फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे. पहले तो हम नेटवर्क ड्रॉ कर लेते हैं जैसा उन्होंने दिया है. ये रहा हमारा रेजिस्टर, ठीक है मैं यहाँ पे करती हूँ. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. ओके ये रहा हमारा रेजिस्टर, ये हमारा कैपेसिटर जो C1 दिया हुआ है. ये बनाने के बाद यहाँ पे आएगा हमारा एक और रेजिस्टर और ये हमारा सेकेंड कैपेसिटर, ठीक. और हम यहाँ पे उसका आउटपुट दे देते हैं दैट इज योर VO. अब हम इसको लेबलिंग कर देते हैं हम अलग, ठीक है. तो हम यहाँ पे लेंगे VO ऑफ S. हम लैपलास ट्रांसफॉर्म में लिख रहे हैं फर्स्ट थिंग एज इट्स एन ओपन सर्किट इस तरफ. तो यहाँ पे यहाँ से हमारा करंट जा रहा है, VI है और V1 है. V1 of S ये पहला नोटेशन हुआ. रेजिस्टर लैपलास ट्रांसफॉर्म में वैसे के वैसे रहता है, रेजिस्टर के साथ कुछ नहीं होता. तो हमें यहाँ पे ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन अगर उन्होंने कहा है
और रेजिस्टर की वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर कर देते हैं। सपोज इस सम में हम लोग को रेजिस्टर सारी वैल्यूज हम लोग 1, 1, 1 और 1 दी हुई है सपोज, ठीक है। हमें रेजिस्टर की वैल्यू कैपेसिटर की वैल्यू नहीं पता, तो हम उसको 1 कंसिडर करके सम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें आप 2, 3 नहीं कर सकते बिकॉज हमें नहीं पता, तो हम लोग सबको 1 जनरलाइज वे से 1 ले लेंगे अगर सम में नहीं दिया तो। तो यहाँ पे रेजिस्टर की वैल्यू 1 रहेगी, ये भी रेजिस्टर की वैल्यू 1 रहेगी, रेजिस्टर चेंज नहीं होता। कैपेसिटर क्या हो जाता है, कैपेसिटर लाप्लास फॉर्म में आता है कैपेसिटर का वैल्यू डिवाइड बाय एस। तो यहाँ पे अपना कैपेसिटर का वैल्यू है 1, सो 1 डिवाइड बाय एस। सपोज कैपेसिटर का वैल्यू होता है 2 माइक्रोफेरेड, तो क्या आता है 2 डिवाइड बाय एस। ओके, सो ये हमारा 2 कैपेसिटर्स के लैपलास ट्रांसफॉर्म हमने लिख दिए। अब हम करंट का डायरेक्शन थोड़ा कर देते बिकॉज हमको केवीएल अप्लाई करना है बाद में। तो हम यहाँ पे करंट दे दिए I1, ओके, यहाँ पे I1 हो रहा है। हम यहाँ पे नोड्स कंसिडर कर देंगे, जैसे कि पहला नोड है अपना VA एंड द सेकेंड नोड यहाँ पे है VP, ओके, और यहाँ पे हमारा करंट है I2। एज इट्स एन ओपन सर्किट ऑन दिस साइड आउटर साइड पे, तो यहाँ पे हम I2 को ले लेंगे 0, अपना I2 है यहाँ पे 0। अब हमें धीरे धीरे कंडीशंस के थ्रू मूव करना है। सो वी विल गो फ्रॉम, अगर हमें अप्लाई करना है लैडर नेटवर्क जैसा इसे कहते हैं, तो अगर हम इसको अप्लाई करेंगे, सो वी विल गो फ्रॉम, ओके ठीक है, सो वी विल गो फ्रॉम आउटर, दैट इज फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट साइड पे जाएंगे। सो द वेरी फर्स्ट विच जो हमें कंडीशंस यहाँ पे दिख रही है, अभी आउटपुट साइड पे हमें कंडीशंस क्या आई, एक एक कंडीशंस लिखते जाएंगे। द वेरी फर्स्ट कंडीशन आई गॉट इज I2 इज इक्वल्स टू 0, ओके। सेकेंड कंडीशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, अगर I2 0 है तो मैं कहूँ कि जो मेरा VB है, ये पोटेंशियल और VO दोनों सेम पोटेंशियल पे है बिकॉज करंट पासिंग थ्रू देम इज 0, सो इफ देयर इक्वी पोटेंशियल तो ही करंट 0 होगा। तो ये हमें पहला रिजल्ट मिला, दैट VB इज इक्वल्स टू VO ऑफ S, एंड आई कैन से इट्स VB ऑफ S। यहाँ पे भी हम लैपलास ले रहे हैं तो इसको S से डिफाइन कर देते हैं, ओके। सो VB ऑफ S इज इक्वल्स टू VO ऑफ S, ये हो गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो अगर हमें लिखना है VB के लिए इक्वेशन, थर्ड हम लिखेंगे VB के लिए, राइट, क्योंकि हमारा VO स्पेसिफाई हो गया, अब VB के लिए लिखेंगे, तो क्या आएगा, VB अपॉन 1 अपॉन S। I करंट का इक्वेशन लिख रहे हैं, I इज इक्वल टू V बाय R, सो VB अपॉन 1 बाय S, बट VB और VO सेम था तो मैं लिखूं यहाँ पे VO ऑफ S इज इक्वल टू 1 बाय S। अगर ये S ऊपर चला गया तो ये हो गया S इंटू VO ऑफ S, तो ये हमें मिला थर्ड रिजल्ट, ओके। ये होने के बाद ना वी विल गो फॉर VA। अभी यहाँ पे हमारा कोई करंट नहीं है तो मैं यहाँ पे इसको करंट ले लेती हूँ IB। VB हो गया, अब हम जाएंगे VA के पास, ये वाला वोल्टेज VA किससे बना है। देखो जब भी हम लैडर नेटवर्क बनाते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर ब्रांच में जो करंट चल रहा है वो, और उस ब्रांच की एंड पे कौन सा वोल्टेज है वो कंसिडर करना है, ओके। तो हमारे यहाँ पे VA के लिए कर रहे हैं तो उसका ब्रांच का करंट, दैट करंट इज हाउ मच IB, लेकिन हम वोल्टेज लूप लिख रहे हैं, तो जैसे हम वोल्टेज के लिए क्या लिखते हैं, I into R, तो उस वक्त I तो अपना कौन सा चल रहा है IB, और रेजिस्टर की वैल्यू क्या रहेगी 1, सो 1 into IB, ओके, 1 into IB प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा VA के लिए 1 into IB, और हमारा वोल्टेज जो था वो था लास्ट वाला वोल्टेज VB ऑफ S, ओके। सो अपना VA ऑफ S इज इक्वल्स टू 1 into IB प्लस VO, VB को मैं लिखूंगी वापस, क्या VB इज इक्वल्स टू, तो हमें क्या करना है, इनपुट आउटपुट के टर्म्स में ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, तो हमें आउटपुट को छोड़ना नहीं है, अगर हमें आउटपुट के टर्म्स में ही इक्वेशन चाहिए, इसलिए जहां जहां पे मुझे VB मिल रहा है मैं वहां पे VO डाल रही हूँ, सो दैट डजंट बिकम्स कॉम्प्लेक्स, ओके। सो वंस यू गेट दैट, व्हाट यू विल डू इज VA आ गया, नाउ IB जो है, ओके, सो यहाँ पे जो IB है उसको मैं क्या लिखूँ, IB इज नथिंग बट व्हाट, अगर मैं उसमें लैपलास ट्रांसफॉर्म डालूँ तो मेरा IB हो जाएगा, आई कैन राइट यहाँ पे उसी इक्वेशन में IB को मैं लिख सकती हूँ S इंटू VO ऑफ S, सो आई कैन राइट लाइक दिस, VA ऑफ S इज इक्वल्स टू S इंटू VO ऑफ S, ठीक।
ओके सो एस इंटू वी ऑफ एस आया एंड यहाँ पे लिखेंगे प्लस वी ऑफ एस जो हमारा था वही। अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं ये कर सकती हूँ कि एस प्लस वन ले लें और वी ऑफ एस हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ये हमारे एक और इक्वेशन आ गया। अब वी ऑफ एस मिलने के बाद वी ओ मिला हमें, सी हमने अभी तक क्या फाइंड किया, हमने ये किया एंड यू सम अदर कलर, सी हमने पहले ये फाइंड किया फिर हम यहाँ पे आए फिर हमने आई बी का इक्वेशन यूज किया और हमने वी ए निकाला। अब हम जाएंगे आई वन निकालने के लिए। ओके उस हिसाब से बस एक एक स्टेप हमें पैरामीटर सारे फाइंड करते जाना है और उस हिसाब से हम इनपुट तक पहुंच जाएंगे। सो एक भी पैरामीटर अगर बीच में छूट गया, जैसे आप वी बी के बाद डायरेक्टली आई वन पे आ गए और आपने वी ए नहीं निकाला, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो आपको आई वन में समझ ही आ जाएगा कि वाई आई एम सेइंग कि आपको एक एक पैरामीटर चूज करते जाना है। तो अभी आई वन के लिए एज यू आर राइटिंग आई, आई इज वर्ड वी बाई आर, तो विच वी विल कम, इट विल बी वी ए। आई वन के लिए कौन सा वोल्टेज आ रहा है, वी आर है अपॉन वन बाय एस, उसका आर उसका रेजिस्टर इज वन बाय एस, प्लस जैसे मैंने कहा था उस ब्रांच का वोल्टेज और उस ब्रांच का करंट। तो वोल्टेज आया अपना वी ए और उस ब्रांच के लिए करंट जो उसने पीछे छोड़ा दैट इज आई बी। ये हो गया हमारा आई बी। अब यहां से आई विन आई ओ वी ए वी ए वी ए का जो अपना इक्वेशन था वो ये था राइट, ये हमारा वी ए ऑलरेडी हम लोग ने निकाला था, दिस वॉज आर वी ए। तो ये वी ए हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, दैट इज एस प्लस वन इंटू वी ओ ऑफ एस, वाई बिकॉज इसमें वोल्टेज आ रहा है, अपॉन वन बाय एस और आई बी का इक्वेशन है एस इंटू वी ओ ऑफ एस। ठीक, अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देते हैं, ये एस को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा यहाँ पे आई वन आएगा, आई वन आ जाएगा एस इंटू एस प्लस वन इंटू वी ओ ऑफ एस प्लस एस इंटू वी ओ। यहाँ से अगर हम वी ओ कॉमन लेते हैं, वी ओ ऑफ एस वोल्टेज कॉमन ले लेंगे तो हमें अंदर आएगा एस इंटू एस प्लस वन प्लस एस। इसको थोड़ा और ओपन अप कर देंगे। ओके सो व्हेन यू ओपन इट आउट यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज वी ओ ऑफ एस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया एस इंटू एस एस स्क्वायर प्लस एस और यहाँ पे प्लस एस, तो दैट गिव्स यू टू एस। यह हमें मिला आई वन। अब हमें जाना है लास्ट स्टेप, जो लास्ट स्टेप था आई वन निकाला हमने। ओके तो अब हम जाएंगे आई वन निकालने के बाद अब कौन सा आया वी वन, दैट इज वी आई अपना इनपुट। इसको वी आई लो या वी वन लो इट्स फाइन, वैसे भी हमें ट्रांसफर फंक्शन से मतलब है। सो यहाँ पे वी वन, तो वी वन के लिए, वी वन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं वी वन के लिए क्या आएगा, आई वन और वी ए दो पैरामीटर्स, एक वोल्टेज और एक करंट। ओके सो हम उसके इक्वेशंस को लिखते हैं यहाँ पे। सो सपोज यहाँ पे सेवेंथ, कैन आई यूज दिस थिंग, सेवेंथ है, सेवेंथ स्टेप क्या है, हम लोग को वी वन चाहिए। तो वी वन के लिए क्या आया था, वन इंटू आई वन प्लस वी ए ऑफ एस एंड ये अपना आई वन ऑफ एस। आई वन का इक्वेशन ये रहा बड़ा वाला एंड वी ए का भी ये रहा ऊपर, है ना। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब हम लोग को मिल जाएगा। सो व्हाट इट इज, हमने ऑलरेडी पहले से ही उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है सो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सो वी आई वन का इक्वेशन लिख रही हूँ मैं एस स्क्वायर प्लस टू एस एंड वी ए का इक्वेशन आएगा एस प्लस वन एंड वी ओ ऑफ एस। अब इसमें से वी ओ ऑफ एस दोनों में से कॉमन एंड ये रहा अपना वी वन, आ गया ट्रांसफर फंक्शन, इनपुट आउटपुट आ गया सामने की तरफ और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, दैट इज एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस एस प्लस वन, दैट गिव्स यू v1 of s is equals to vo of s is s square plus 3s plus 1. So what is my transfer function? Final answer, transfer function is output upon input. ये इधर आएगा तो ये पूरा term नीचे जाएगा. So it's vo of s upon v1 of s. Basically reciprocal लेना पड़ेगा. It's 1 upon s square plus 3s plus 1. And this is how you solve your transfer functions निकालने का way. ऐसे काइंड ऑफ सम्स है एंट्रेंस में, सो यू ऑल कैन डू दिस। पहले हमने किया वो है लैपलास ट्रांसफॉर्म को डिफरेंशियल किया, फिर डिफरेंशियल से हम लैपलास में लेके आए और ये जो थर्ड टाइप था वो हमने सर्किट बेस्ड किया। आई होप सो इट्स अंडरस्टूड, थैंक यू।